Hi everyone, this is Vijaya Mishra. How are you all? Hope you all good. तो guys, चलिए heading लगाइए present continuous tense. Last lecture में हमने present indefinite के बारे में पढ़ा था और आज हम present continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. So, this form of tense, ये tense का एक form है. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि present tense आपके four forms में रहेंगे, जिसमें पहला होता है आपका present indefinite, then present continuous tense, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आज हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. दिस फॉर्म ऑफ टेंस सजेस्ट दैट द एक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग और इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस को शो करता है. दैट मीन्स कि जो भी एक्शन हो रहा है या जो भी क्रिया चल रही है वो प्रेजेंट मोमेंट पर ही चल रही है. ऑलराइट, तो ये जो फॉर्म होता है ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका प्रोग्रेस में है और वो करेंटली आपका चल रहा है. तो सबसे पहले इसका हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. तो गाइस, हेडिंग लगाइए आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन, ऑलराइट. तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, दैट मीन्स कि ये काम कंटिन्यू हो रहा है. वो खा रहा है, रहा है, वो सो रही है, वो जा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपका रहा है, रही है या रहे हैं आते हैं तो वो आपका इंडिकेट करता है कि वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. ऑलराइट, ये तो बात रही आइडेंटिफिकेशन की. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर लिखिए इसका. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आई एन जी देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था कि सब्जेक्ट यहां पर आप हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन. ऑलराइट, फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो आपका होता है यहाँ पर आई, वी, दे. ठीक, सेकेंड पर्सन में आपका होगा यू और थर्ड पर्सन आपका होगा ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो सकता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देन आपका ऑक्सिलरी वर्ब. ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है. उसके बाद आपका जो मेन वर्ब जो भी आप काम कर रहे हो वो उस पर आएगा. यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करना है, देन आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे आपका पहला था. ठीक, अब यहाँ पर हमारे तीन तीन ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इज, एम, आर. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किसके किसके साथ होगा, किसके किसके साथ. दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपका है आई, वी, दे. तीन आपके यहाँ पर हैं फर्स्ट पर्सन में. तो एम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका आई के साथ ही यूज़ होता है. आप इसको एम को दे के साथ नहीं लगा सकते, वी के साथ नहीं लगा सकते, ही, शी, इट किसी के साथ नहीं लगा सकते. आपका एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगेगा. ऑलराइट, रही बात इज़ की, तो ये जो इज़ है ये हमेशा थर्ड पर्सन के साथ लगता है. जो आपका थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम है, तो वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी के लिए आप इसका यूज़ करेंगे. किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. ऑलराइट, और अब है यहाँ पर आर. क्या बचा आपका आर? ये जो आर है ये आपका वी, दे और यू, ये तीन आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपका आर यूज़ होगा. ऑलराइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी पुट कर दीजिए. ठीक है, क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके गाइस, चलिए अब मैं इसको रब करती हूँ और अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं. तो चलिए गाइस,
हम सिंपल सेंटेंस में ही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है आपका, जैसे आई, क्या लगेगा आई के साथ? एम लगेगा, क्योंकि एम हमारा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगना है। तो आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, ठीक। आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग मतलब मैं एक गाना सुन रही हूँ, ठीक है, सुन रही हूँ। दैट मीन्स कि ये जो मेरा काम है ना वो प्रोग्रेस में है, ऑलराइट, या वो हो रहा है, ठीक है, द एक्शन विच इज़ हैपनिंग। तो अब यहाँ पर ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है। इसे ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इसे ही नेगेटिव बनाएंगे। तो जब भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम अपने ऑक्सिलरी को जस्ट सब्जेक्ट के पहले पुट करेंगे और देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले कहा था इंट्रोगेटिव दैट मीन्स कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे या जब भी इंट्रोगेटिव बताएंगे तो हम ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के जस्ट पहले पुट करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये कैसे आपका बनेगा? एम आई लिसनिंग अ सॉन्ग मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एम आई लिसनिंग अ सॉन्ग, चलिए ये हुआ। इसी का आप नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव में क्या होगा, जो भी आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें ऑक्सिलरी के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डू और डस का यूज़ करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा अलग से तो ऑक्सिलरी वर्ब था नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पुट है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर दिया हुआ, इज एम आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हमें अलग से इसके लिए कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव बनाते हैं, ये हुआ इंट्रोगेटिव। तो आई एम नॉट, दैट इज अ नेगेटिव, नॉट, आई एम नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम किसी को नेगेटिव वे में आंसर दे रहे हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम किसी को बता रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। क्लियर हुई इतनी चीज? आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और सेंटेंस बनाते हैं। चलिए इसी तरह से हम और भी ऑक्सिलरी वर्ब के बनाएंगे। चलिए इसको लेते हैं, जैसे शी, she is presenting herself, she is presenting herself in front of media। ये कुछ आप और भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। She is presenting herself in front of media, या कुछ और भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए और बनाते हैं हम, जैसे he is performing in the stage, ऑलराइट। तो यही के लिए हो गया, शे के लिए, इसलिए और हम कर लेंगे इसमें, किसी का नाम भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन आपका नाम भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर नाम भी पुट कर सकते हैं, जैसे वैदिक इज बिहेविंग लाइक अ किड, ठीक। वैदिक इज बिहेविंग लाइक अ किड, यहाँ पर ये क्या एक्शन कर रहा है, बिहेव, ठीक है। वैदिक एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये वो करंट एक्शन कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन के लिए, हमारा इज के लिए, जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज, उसके लिए हम यहाँ पर सेंटेंस हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसी पर हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बताएंगे, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से हम प्लूरल पर्सन के लिए भी यहाँ पर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक द बॉयज
बॉयज, बॉयज इज अ प्लूरल पर्सन, तो यहाँ पर आपका प्लूरल आ जाएगा. द बॉयज, अब यहाँ पर क्या लगेगा, इज नहीं, एम नहीं, एम तो मैंने पहले ही बताया था कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगेगा. इज जो है आपका वो ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ लगेगा. यहाँ पर है द बॉयज, तो बॉयज के साथ यहाँ पर प्लूरल पर्सन के साथ आपका लगेगा आर. ठीक है, तो द बॉयज आर कंप्लेनिंग अबाउट फूड. ठीक है, द बॉयज आर कंप्लेनिंग अबाउट फूड. ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, जरिए बताइए. एक्शन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो फूड के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, फूड के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, इसी में हम बनाएंगे अपना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. तो इंट्रोगेटिव में क्या होना है, जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसे जस्ट सब्जेक्ट के पहले ले आना है. आपका सब्जेक्ट यहाँ पर द बॉयज, तो द बॉयज से पहले आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया. चलिए, आर, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आर द बॉयज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, कंप्लेनिंग अबाउट फूड. ठीक, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर द बॉयज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव. सेम ऐसे ही नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट से जस्ट बिफोर आ जाएगा. सॉरी, नेगेटिव बना रहे हैं ना हम, तो नेगेटिव के लिए आपका जो आर है, जो आपका ऑक्सिलरी है, उसके जस्ट बाद में आपका नॉट लग जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका द बॉयज आर नॉट, द बॉयज आर नॉट, या इसे आरेंट भी लिख सकते हैं, द बॉयज आरेंट कंप्लेनिंग अबाउट फूड. क्लियर है? इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसे आप बोल सकते हैं अपने डेली रूटीन, जो आप बोल चाल है आपकी साधारण भाषा जो है डेली रूटीन के लिए, जो आप बोल चाल है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह ऐसा कर रहा है, वह ऐसा कर रहा है, तो सिंपल सा टेंस है जिसे आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, आई एम कुकिंग, ओके, दैट्स इट. तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं विथ ऑक्सिलरी इज एम आर के साथ, और यहीं पर आपका इस सिंपल सेंटेंस में ही आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यहाँ पर बताया गया है. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो गाइस चलिए, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. तो दिस टेंस एक्सप्रेस टू द एक्शन एंड इवेंट्स विच complete in the past but still some link with present. Alright, देखिए, present perfect tense ये टेंस के ऐसे फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है जिसके जो एक्शन हैं, जो इवेंट्स हैं, कुछ घटनाएं या कुछ ऐसे काम हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, बट
स्टिल उसके जो लिंक्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट में लिंकअप हैं. ऑलराइट, कुछ पार्ट इसके जो हैं वो अभी भी प्रेजेंट से लिंकअप हैं. ठीक है, तो इसकी पहले हम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन लिखें इसकी, आइडेंटिफिकेशन. देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आइडेंटिफिकेशन लिखा था इसका कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, वो जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है. तो रहा है, रही है, रहे हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन जिसको हम सुन के और ऐसे बोल के हम पता लगा लेते कि हाँ भाई रहा है, दैट मीन्स कि वो अभी भी कंटिन्यू प्रोग्रेस में है, दैट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगा चुका है. चुका है दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन ने उस काम को कर लिया है. ठीक है, बट अभी भी प्रेजेंट में कुछ उसके लिंक्स हैं. तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, एट्सेट्रा. ठीक है, स्ट्रक्चर लगाइए इसका. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो है आपका हैज और हैव. क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज, एम, आर. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो है हैज और हैव. यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पर आपका लगेगा द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई होगा. ऑलराइट, इसके बाद अब आपका लास्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है. ठीक है, चलिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर आपके दो ऑक्सिलरी हैं, हैज और हैव. तो यहाँ पर ये ध्यान, ओके, दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट थिंग कि हैज़ जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा. ठीक है, तो हैज़ इज़ ओनली यूज इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन आपका ही, शी, इट और नेम. ऑलराइट, तो इसके हिसाब से आपका जो हैव है वो आपका फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ यूज़ होगा. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी हैं, चुके हैं. स्ट्रक्चर इसका लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसमें आपका हैज़ और हैव किसके साथ एप्लीकेबल होगा? तो हैज़ आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगेगा. थर्ड पर्सन लाइक आपका ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो सकता है. और जो हैज़ है, हैज़ आपका फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ यूज़ होगा. अच्छा, फर्स्ट पर्सन में मैंने क्या बताया था? आई, वी, दे. ऑलराइट, और सेकेंड पर्सन में आपका सिर्फ यू होगा. तो ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ आपको हैव यूज़ करना है. चलिए सेंटेंस लगाते हैं. अब फर्स्ट, आई हैव, उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो आई हैव कंप्लीटेड, वर्ब है आपका कंप्लीट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अ कंप्लीटेड. तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. ठीक, इसी तरह और लिखते हैं. You have watched movie.
ऑलराइट, यू हैव वॉच्ड मूवी. चलिए हैज़ के लिए करते हैं. ही हैज बॉट सम, कुछ भी बॉट कर सकता है, क्लॉथ कर लेते हैं हम. चलिए बॉट सम क्लॉथ्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके जो कुछ एक्शंस हैं वो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन स्टिल दे आर लिंक अप विथ प्रेजेंट, ठीक है. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए सेटअप करते हैं. चलिए गाइस, इसी तरह से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं. सो टू एक्सप्रेस एन एक्सपीरियंस इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्सपीरियंस इन द पास्ट. जैसे कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हैव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है. इसी तरह से आई हैव ईटन, आई हैव ईटन थाई चाइनीज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है. तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी हैव का यूज़ किया जाता है. अच्छा, अब इसका हम थोड़ा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बता देते हैं, ठीक, एक ही सेंटेंस में बता देते हैं, बाकी के लिए सब ऐसे ही बनेगा. जैसे I have finished my work. ये क्या है आपका? ये आपका है सिंपल सेंटेंस, या इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. I have finished my work. चलिए इसे हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. बताइए क्या होगा? इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट से जस्ट बिफोर आ जाएगा और देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो ये हो जाएगा हैव. Have I finished my work? That is a interrogative sentence. इसी तरह से negative बनाइए तो क्या होगा? I have not finished my work. Alright. तो guys, hope so आज का ये lecture आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए. बाय बाय.